कमाल होती है, तुम उसके साथ अपना रूम शेयर करते हो, बेड शेयर करते हो, वो भी वो देखती है। देखती क्या, वो तिल तिल कर मरती है। मैं ये अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी। उसकी माँ मरी नहीं है, अभी जिंदा है। मैं किसी को भी उसका नाजायज फायदा नहीं उठाने दूंगी ऋषि, तुम्हें भी नहीं। आंटी मैं जानता हूँ आप बहुत हॉट है, इसलिए गुस्से में है अभी। गुस्सा? तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जिंदगी के लिए क्या कुछ नहीं कर डाला, और मेरी बेटी तुम्हारे पीछे, मैं उसे मिटते हुए देख रही हूँ। ऋषि खुद को मेरी जगह रख के देखो, मैं बाहर निकलूंगी तो लोग मुझसे पूछेंगे कि मलिष्का का क्या हुआ, उसे कोई लड़का नहीं मिला क्या, और अब तो उसे घर तोड़ने वाली भी बोलेंगे। नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हो रहा है ऋषि, हो गया है। और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें? मेरी बेटी का मुंह काला किया गया है सबके सामने, तुम्हारे घर में और तुम्हारे घर वालों के सामने भी। जब हम इतने हाई सोसाइटी के और फाइनेंशियली कैसे, ये तो तुम जानते ही हो, इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। ऋषि जब जब तुम लक्ष्मी के करीब गए हो ना, तब तक मलिष्का हाइपर हुई है, इस लेवल तक की होश खो देती है। मैं लक्ष्मी के करीब कब? ऐसे बोले मत बनो ऋषि, मैंने और मलिष्का हम दोनों ने महाबलेश्वर में तुम्हें देखा था, लक्ष्मी तुम्हारे पानी में कुछ मिला रही थी। वो मेडिसिन थी आंटी। मैंने तुमसे पूछा ऋषि, एक्सप्लेनेशन मांगी? नहीं ना, मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि मेरी बच्ची हर्ट हुई है, मैं बस उसे इस हालत में नहीं देख सकती अब। उसे इस हालत में मैं भी नहीं देखना चाहता हूँ आंटी, मुझे भी बहुत बुरा फील होता है, हर्ट होता हूँ मैं भी जब वो उस पे ये सब गुजरती है। सो मैं भी चाहता हूँ मलिष्का पहले की तरह खुश हो जाए वापस से। सो ऋषि, सो आप ही मुझे बताइए क्या करूं मैं ऐसा जिससे मलिष्का बिल्कुल ठीक हो जाए। जो भी आप बोलोगे मैं करूंगा, आई विल डू इट। यू विल? यस। तो फिर आखिरी फैसला ले लो ऋषि, क्योंकि बात अब हद से ऊपर जा चुकी है, बात अब मेरी बेटी की जिंदगी और मौत पर आ चुकी है। तुम ये फैसला लो कि तुम्हारी लाइफ में अब मलिष्का रहेगी या फिर लक्ष्मी। लेकिन आंटी ये फैसला तो हो रहा है ना ऑलरेडी, कोर्ट में वो डिवोर्स चल रहा है सब। मैंने कोर्ट के फैसले की बात नहीं की है, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा क्या फैसला है, तुम क्या करोगे ऋषि? क्या करूँ मैं? ऋषि अगर तुम्हारा फैसला मलिष्का है तो इस रिश्ते को ऑफिशियली जोड़ दो, शुरुआत तो करो, आधा तो जोड़ो इस रिश्ते को। गेट एंगेज टू मलिष्का। इससे उसका सारा पेन भी चला जाएगा, उसकी खुशियों से वापस मिल जाएंगी। बोलने दो जो लोगों को बोलना है। 3 महीने बाद जब मलिष्का तुम्हारी वाइफ बनेगी ना, तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। इनफैक्ट वही लोग बोलेंगे कि तुम्हारी और मलिष्का की जोड़ी कितनी अच्छी है, और मेरी बेटी उस लक्ष्मी का सामना भी कर पाएगी। वरना वो लक्ष्मी तुम्हारी वाइफ बनने के घमंड में तेवर दिखाती रहेगी और मेरी बेटी की बेइज्जती करती रहेगी, और मेरी बेटी समाज के ताने और इल्जाम सुन सुन के जान दे देगी ऋषि। हाँ, उसने कहा कुछ डिस्कस करना है उसे। हमें भी ऋषि ने यही कहा है, और मुझे भी भाभी, मुझे तो ये भी कहा कि मॉम को लेकर आना, वो भी आ रही है। अभय तुम यहाँ, सब ठीक तो है ना? वो मैं इन सबको मैं लेकर आया हूँ। आप लोग सब यही सोच रहे होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन जो भी करूंगा इस वक्त सब सही करूंगा, जो भी करूंगा ना उससे आप सब बहुत खुश होंगे। लेकिन उसके लिए मुझे डैड आपकी, मॉम वो आप सबकी परमिशन चाहिए। क्या मैं मलिष्का को कमिट कर सकता हूँ? क्या मैं मलिष्का से 3 महीने के बाद शादी कर सकता हूँ जब मैं लक्ष्मी को डिवोर्स दे दूंगा? कल सगाई कर सकता हूँ उससे? लेकिन ये ऐसे अचानक? Oh my God, ऋषि, wow, this is great news. मैं और भाभी तो अभी यही बात कर रहे थे, है ना भाभी? हाँ, exactly. हम भी यही सोच रहे थे कि मलिष्का कोई ना कोई कमिटमेंट तो मिलना चाहिए। So yes, हम सबकी हाँ है। हाँ ऋषि, हम सबकी हाँ है। तो मैं 3 महीने में मलिष्का से शादी कर सकता हूँ? Of course, भाई, भाभी, ऑफकोर्स ऋषि, बिल्कुल कर सकते हो। अंकल अब तो आप खुश होंगे ना, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, यही चाहिए था ना आपको? नाउ आर यू ओके? नो। ओके नहीं, हैप्पी। मलिष्का अब तुम बताओ, क्या तुम कल मुझसे सगाई करोगी? ऑफ कोर्स। सो देन दैट्स फाइनल, कल मैं मलिष्का से सगाई कर रहा हूँ और 3 महीने के बाद मलिष्का से शादी करूंगा।
तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया, और तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से मुझे भी प्रॉमिस करना पड़ा मलिष्का को शादी के लिए। तुम अगर ये नहीं करती ना तो मुझे भी ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता। आई नो, शादी तो मैं वैसे भी करने वाला था मलिष्का से, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद। और क्या कहा था तुमने? मैं इस शादी का मजाक बना रहा हूं। तो तुमने क्या किया लक्ष्मी? तुमने भी इस शादी का मजाक ही बनाया, वो भी मुझसे पहले। तुमने तलाक मांगा था ना? सच बात बताऊं लक्ष्मी, मैं जानता हूं मैंने तुमसे शादी झूठ बोल के की थी, लेकिन जब भी तुम्हारे साथ था ना मैं, कभी भी तुम्हें इमोशनली धोखा नहीं दिया मैंने। तुम्हारे साथ था तो सिर्फ तुम्हारे साथ था, मलिष्का के साथ नहीं था मैं। और उस दिन जिस दिन मैं मलिष्का से शादी कर रहा था उसके घर पे और तुम आ गई थी, उस दिन जब मैंने तुम्हें देखा था वहां पे, तो अंदर ही अंदर गिल्ट में मरता जा रहा था। बहुत बुरा लग रहा था मुझे। और आज देखो क्या कर दिया तुमने मेरे साथ। आज मैंने खुद प्रॉमिस किया है सगाई के लिए। एक और सच बात बताता हूं, प्रॉमिस करने के बाद ना मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। अंदर ही अंदर मर भी नहीं रहा हूं मैं, बहुत खुश हूं। मजा आ रहा है कि कल मेरी सगाई होने वाली है। और याद रखना, तुमने मुझे मजबूर किया है कि मैं तुम्हारा तमाशा बनाऊं, और मजबूर किया ही है तो बनो तमाशा। लक्ष्मी, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड कल मेरी और मलिष्का की सगाई के लिए, आना जरूर। ऋषि, ऋषि, तुम नहीं कर सकते हो सगाई उससे। शादी शुदा है हम दोनों, पति पत्नी है। तुम कैसे कर सकते हो मलिष्का से सगाई? नहीं, तलाक हुआ नहीं है अभी हमारा। तलाक? तलाक मांगा किसने था? तुमने। उस दिन तलाक मांगा था ना लक्ष्मी, और मुझे पता चला कि उन पेपर्स पे तुम्हारे ही साइन है। तलाक उसी दिन हो चुका था, पेपर पे भी हो जाएगा 3 महीने बाद। यहां तो उसी दिन हो चुका था, और कल की जो सगाई हो रही है ना वो भी यहीं से हो रही है, खुशी खुशी। और जिस दिन मैं कानूनी कागज पर सिंगल हो गया ना लक्ष्मी, उसी दिन शादी करूंगा मलिष्का से। ये जो कमिटमेंट दिए ना मैंने मलिष्का को कल सगाई के लिए, वो सिर्फ एक विश्वास है जो मैंने मलिष्का को दिया है उससे शादी करने के लिए। और एक बार लक्ष्मी घर से बाहर निकल गई ना शालू, तो तुम्हें तो हम यहाँ झांकने का मौका भी नहीं देंगे, भीख के लिए भी नहीं। सगाई ऋषि जीजू के घर पे, मतलब ऋषि जीजू के परिवार वाले मान गए सगाई के लिए? नो, हमारे होटल में वो एक शेफ है ना जो ऋषि का फेवरेट है, कल उसी को घर पे बुला लेते हैं। उसका खाना ऋषि को बहुत पसंद है, तो सारी डिशेस वही बनाएगा। और हम ऐसा करते हैं कि ऋषि और मलिष्का की फेवरेट डिशेस बनवाते हैं। मलिष्का का तो फेवरेट है मेलविन्स केक। ऋषि टू तो डन, फिर एंगेजमेंट का केक मेलविन से आएगा। वो सब तो ठीक है, पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। किसकी भाभी? एंगेजमेंट रिंग करिश्मा। वो मैं मंगवा लूंगा माँ। अरे क्यों, हम सब भी तो सिलेक्ट करेंगे। ऐसा करते हैं कि ज्वेलर को कल दोपहर में घर पर ही बुला लेते हैं, वो सारे लेटेस्ट डिजाइन्स लेकर आ जाएगा। और मलिष्का, लो मलिष्का भी आ गए। मलिष्का तुम कल दोपहर में आ जाओ, तुम खुद भी सिलेक्ट कर लोगी। और क्या मलिष्का, तुम्हारी चॉइस तो सबसे ज्यादा मैटर करती है, सो कल आफ्टरनून में आ जाना। तो डन, कल ऐसा करते हैं डिजाइनर को भी बुला लेते हैं। आई नो सगाई जल्दी जल्दी में हो रही है, पर करेंगे तो सब कुछ तरीके से ना, और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। मलिष्का कल दोपहर में प्लीज आ जाना, ओके? हाँ पक्का, मैं टाइम से आऊंगी। क्या हो रहा है यहाँ ये सब? दादी आप कहाँ रह गए थे? अच्छा वो सब छोड़िए, बहुत बड़ी न्यूज है एक। मैं और ऋषि सगाई कर रहे हैं, वो भी कल। अच्छा नीलम, अब हम चलते हैं, हमें भी बहुत सारी तैयारियां करनी है एंगेजमेंट की। थैंक्स, सब समझने के लिए और साथ देने के लिए। बच्चे हैं, बच्चों का साथ तो देना चाहिए ना। चले
क्या? भाभी तो मैं इम्पोर्टेंट गेस्ट लिस्ट बना लेती हूँ, कुछ खास लोगों को तो बुलाना ही होगा। बिल्कुल हाँ, मैं कुछ बोल सकती हूँ? वैसे तो मम्मी जी आप बहुत देर से आई हैं तो, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बोलने देते हैं आपको, बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ऋषि अभी भी शादीशुदा है, तो ये सगाई ये सब कुछ गलत नहीं है? नहीं मम्मी जी, ऋषि अभी शादीशुदा है इसीलिए तो कल सिर्फ सगाई कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि ऋषि मलिष्का को एक प्रॉमिस रिंग पहना रहा है बस। हाँ मॉम, और अगर किसी को एतराज होगा तो ऐसा कहा जा सकता है ना, सो टेक्निकली कुछ गलत नहीं है। तुमने कभी मुझसे कोई वादा नहीं की, फिर भी मैंने कैसे सुन ली? कभी मुझसे नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करते, फिर भी मैंने कैसे महसूस कर ली? कभी नहीं कहा कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहना चाहते, फिर मुझे कैसे लगा कि तुम ऐसा ही चाहते? मुझे क्यों, ये सब जो हो रहा है ना, इतना दर्द हो रहा है, तुम मुझे छोड़ रहे हो उसका इतना दुख हो रहा है, उसकी जिम्मेदार मैं हूं, मैं हूं। मैंने इस एक साल की शादी को 7 जन्म का रिश्ता समझ लिया, सच्चा मान लिया, जबकि ये है ही नहीं है ना, नहीं है ना रिश्ता, नहीं है ना। साल क्या, 7 जन्म भी खत्म ना हो, अगर तुम मेरे साथ हो ऋषि, दिल तो यही करता है। सच ऋषि, दिल करता है तुम्हें भी वही महसूस होता मेरे लिए जो मैं करती हूँ तुम्हारे लिए। सब गलती तुम्हारी है, क्यों इतना अच्छा होना था तुम्हें? तुम पति भले ही अच्छे नहीं बने, पर इंसान इंसान कितने अच्छे हो तुम। तुमने शादी भले ही मुझे अंधेरे में रखे की, पर तुम जो सच में हो वो देख लिया मैंने, और तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें छोड़ गई, इस घर को छोड़ गई, पर तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा, मेरा साथ दिया बार बार हर जगह। और मैं फिर तुम्हें क्यों हो तुम इतने अच्छे? मुझे तो नफरत करनी थी तुमसे सच जानने के बाद, लेकिन फिर भी मैं, पता है मुझे कि तुम मलिष्का से प्यार करते हो, पर ये सगाई ये करनी भी थी तो 3 महीने बाद तो कर सकते थे ना। पता है क्या विश करती हूँ मैं, जितना प्यार तुम मलिष्का से करते हो उसका अगर 1/4 बल्कि 1% अगर मुझसे किया होता ना, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उसी के सहारे काट लेती। पता नहीं अब कल क्या होगा। चुप कैसे रोना है? क्या तुम्हारी आदत बदलेगी नहीं ना? मेरी? हाँ तुम्हारी। क्या हो गया अगर मैंने गीला टॉवल बेड पे फेंक दिया तो? बाद में उठा लूंगा। बाद में कब? बाद में मतलब तुम रात को उठाओगे। अब टाइम आ गया तुम कुछ अच्छी आदतें डाल लो, और बात सिर्फ टॉवल की नहीं है, तुम अपनी किसी चीज का ध्यान नहीं रखते, जूते फोन कपड़े सब। इधर तो क्या हो गया, नहीं रखता तो फिर भी मनुष्य को अच्छा लगता हो ना, उससे तो प्रॉब्लम नहीं है मुझसे, तभी वो मुझे अच्छी लगती है। ऋषि, दिस इज रिचा। Richard, the famous Bollywood designer. Hi, thanks.
Nice to meet you. Same. She हमारी आज की आउटफिट सिलेक्ट करेगी. Roxanne, samples. This is nice. अच्छा लगेगा ये. मलिष्का तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? तुम्हें जो अच्छा लगेगा तुम पिक कर लो मेरे लिए. ओके okay. अपनी पसंद का कुछ भी. मुझे तुम पसंद. हाँ तो मैं तो मिल ही रहा हूँ ना तुम्हें. खैर कोई और लेके तो दिखाया तुम्हें. Anyway, show me more. Nice, I like it. Yeah, actually. Wow, she looks really hot. Relax. ओह सॉरी आई डिडंट मीट यू. एंड मलिष्का तुमने भी नहीं बताया कि ये भी फैमिली में. बट डोंट वरी मैं तुम्हारे लिए आज के इवेंट के लिए बहुत अच्छी आउटफिट सेलेक्ट करके रखूंगी. यू डोंट स्ट्रेस अबाउट दैट. शी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. शी इज इम्पोर्टेंट मलिष्का. आई मीन लक्ष्मी की वजह से हम दोनों वापस से एक साथ होने जा रहे हैं. लक्ष्मी की वजह से तुम्हें ज्यादा अप्रिशिएट करने लगा हूं मैं. सो ऑब्वियसली शी इज इंपॉर्टेंट. थैंक यू. पर मेरे पास बहुत कपड़े. कोई बात नहीं. फिर भी मैं और मनीष का तुम्हारे लिए एक आउटफिट सिलेक्ट कर लेंगे. नाराज हो लक्ष्मी से? आई जस्ट डोंट लाइक हर. एक मिनट. हाँ करिश्मा ये अच्छा लग रहा है. एक्चुअली आई लाइक इट. तो ठीक है इसे फाइनल कर दीजिए. हमें ये पसंद है लॉक कर दीजिए इसे. ये सारी ड्रेसेस हमें शाम तक मिल जाएंगे ना रिचा? डोंट वरी शाम से पहले भिजवा दूंगी. हाँ वरना हम सब पागल हो जाएंगे. थैंक यू. सो आई शुड टेक अ लीव नाउ. थैंक यू सो मच. प्रिपरेशंस भी करनी है. श्योर. थैंक यू. चलो आउटफिट्स तो हो गए. अब ऋषि और मलिष्का की एंगेजमेंट रिंग्स ये सब कब आएंगी? बस अभी आई रही होंगी. ज्वेलर को फोन कर दिया है 15-20 मिनट में आने वाला है. वो सब तो ठीक है. ठीक है हमें डेकोरेटर्स की टेंशन हो रही है. वो लोग अभी तक नहीं आए हैं. भाभी उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं ली. वीर भाई है ना वहाँ पे वो सब संभालेंगे. तुम्हें लगता है वो संभाल लेंगे? आयुष भी है उनके साथ. डोंट वरी. हाँ मॉम और वैसे भी एंगेजमेंट शाम को है ना. सब हो जाएगा. डोंट वरी. सोनिया आज शाम को है एंगेजमेंट और तुम्हारे पापा और आयुष के बस का काम नहीं है. आई थिंक वी ऑल शुड हेल्प. चलो लेट्स गो. व्हाट मैं भी? ऑफ कोर्स तुम भी. हम थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो काम पूरा हो जाएगा ना. और वैसे भी मुश्किल कामों के लिए सर्वेंट्स हैं हमारे पास. नहीं एक सेकंड. लक्ष्मी से करवा लेते है ना. गॉड सोनिया. सोनिया लक्ष्मी का नाम लेना जरूरी था क्या? हमारे बेटे और मलिष्का की सगाई है. हम काम करेंगे. डेकोरेशन करवा रहे हैं मुझसे कि सर्कस. इसे लगाने में ऊपर चढ़ी ना तो फिर मैंने ऊपर ही चले जाना सीधा. क्या बोले जा रहे हो नानी? थोड़ा जोर से बोल लो अगर जोके तो हम भी दो चार ठाके लगा लेंगे. चुप कर. काम कर. डैड को हेल्प करूं. ओए फोतिया इधर आ तू. ठीक से बात. ठीक से बात. जल्दी आ जल्दी आ. जी दादी. कितनी मेहनत करवाएगा? तेरी असली सगाई में ना मैंने कमर तोड़ मेहनत की थी. अब तो ये सारा काम खुद ही कर. माँ रह रहे तो मैं कर लूंगा. क्यों? अरे हट्टा कट्टा जवान लड़का है. सगाई दो दो बार कर सकता है तो डेकोरेशन क्यों नहीं कर सकता? ले पकड़. अच्छा तो आप क्या करोगे? मैं देखूंगी कि सब कैसा काम कर रहे हैं. अच्छा मैं देखूंगी कौन कैसा काम कर रहा है. एग्जाम लोगे? नंबर भी दोगे? हाँ और नंबर तो तुझे ना जीरो अंडा मिलना है. फूल देखे कैसे लगाए. टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा. कुछ तो ठीक से कर लिया कर. ठीक तो लगा हुआ है. आप पर चश्मा लगाओ. मम्मी काम कर. चल ओहो ये क्या कर रहा है? वो नीचे लगाने होते तो मैं ना लगा लेती. वो लंबा क्या सिर्फ फैशन के लिए हुआ है? ऊपर लगाने ऊपर और एकदम परफेक्ट लगना चाहिए. परफेक्ट? हाँ परफेक्ट. अत्याचार है ये. आचार्य अत्याचार टॉर्चर. ओचा कोई नहीं था काम के लिए इसलिए सोचा खुद कर ले. पर ये हुकूमत. हुकूमत? हाँ और नहीं तो क्या. काम करवाना है तो प्यार से भी करवा सकते हैं ना. यही मेरा प्यार है. प्यार है? ये प्यार है आपका तो तू रहने दे. तेरी समझ में ये सब नहीं आना.
तू लगा। हाँ तो देख क्या रहे हो, काम करो। सिर्फ डेकोरेशन ही होनी, सगाई भी होनी है। दादी अब ठीक है ना? थोड़ा लेफ्ट ले। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा राइट ले, राइट। लेकिन दादी यहीं पे तो था पहले भी। हाँ कोई पूछता है तो फिर बताना पड़ता है ना, वो क्या होता है ना वो एग्जीक्यूटिव टच। एग्जैक्टली लगा रहा हूँ। नमस्कार। अरे आ गए आप, आइए। ऋषि आओ, अभी ज्वेलरी देख लेते हैं। रिंग पसंद करनी है ना? कम आइए। आप सबसे पहले रिंग्स दिखा दीजिए। नीलम तुम देखो, मैं जरा अपने कमरे में रेस्ट करती हूँ। मॉम मैं आपको कमरे तक छोड़ के आती हूँ। आई थोड़ा डर गया था यार मैं। एनीवे कोई काम नहीं है मामा अपना यहाँ पे, चले। काम तो नहीं है। अरे पर मन है तो रुक जाइए। नहीं आओ, कोई दूसरा काम कर लेंगे। चलो आयुष। ये चीप गवार लड़की, हिम्मत देखी इसकी? हाँ अरे वैसे इतना सुना रही हूँ, इतना बेइज्जत कर रही हूँ, इतना जलील कर रही हूँ, लेकिन फिर भी नहीं मान रही है। फिर भी ऋषि के ऊपर अपना हक दिखाती जाती है। मलिष्का काम डाउन, इतना गुस्सा करने से कुछ होने वाला है? अरे आई एम टेलिंग यू दिस, ये लक्ष्मी नहीं है, बहुत तेज है, बहुत शातिर औरत है, बिल्कुल सीधी नहीं है। अब मुझे तो लगता है ऋषि को बिना ऐसे जानबूझ के गिराया, उसका लैडर इसने जानबूझ के हिलाया ताकि ऋषि गिर जाए और ये खुद जाके उसे बचा ले। यही तो करती आई है ना हमेशा, महान बनने का नाटक, एटीट्यूड दिखाती है सबको कि ओ मैंने बचाया, हमेशा यही करती है ना। और आज भी उसने यही किया और आज भी ऋषि के ऊपर वैसे हक जता रही है। मॉम द एंड हो रहा है आज लक्ष्मी के चैप्टर का। मलिष्का थोड़ा और वेट कर लो, ऋषि तुम्हें रिंग पहनाएगा ना, उसके बाद ऋषि तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा उसके साथ रिश्ता जुड़ जाएगा। उसके बाद तुम्हें लक्ष्मी के जितने थप्पड़ मारने हैं, जो भी पलट के जवाब देने हैं, सब देना एक एक करके। आई थिंक यू आर राइट, आई एग्री टू। यस मॉम। ओके ओके, जूलर्स आ गए हैं, रिंग सिलेक्ट करनी है ना, और भाई वाली रिंग तो तुम ही सिलेक्ट करोगे, जल्दी जाओ। आंटी आप भी जाओ, मॉम आपको भी बुला रही है। I'll join you guys, okay? ये देखिए, ये आप ले। हाथ पकड़ रहे हो, किस हक से ऋषि? एहसास हो गया है क्या? सगाई करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मुझे संभालने आए हो ना, यही बोलोगे ना कि सब ठीक हो जाएगा? तुम ये सगाई नहीं करोगे? मैं ये सगाई नहीं करूंगा लक्ष्मी, सब कुछ वापस से ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें यहाँ पे संभालने के लिए आया हूँ। एहसास हो चुका है मुझे कि ये सगाई करके कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं मैं, ये हाथ किस हक से पकड़ रहा हूं, यही सभी सोच रही हो ना? तुम्हारे दिमाग में ये सभी चल रहा है ना, मनी मन यही बोल रही हो ना? तुम्हें कैसे पता? तुमने सुन लिया क्या? जरूरत है सुनने की, पता करने की। तुम में अब कुछ ऐसा बचा ही नहीं है जिससे मैं जान पाऊं, कुछ भी नहीं। पहले की बात अलग थी लक्ष्मी, लेकिन अब तुम बहुत प्रेडिक्टेबल हो चुके हो, एंड प्रेडिक्टेबल इज वेरी बोरिंग, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत बोरिंग है। और मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझने लग गया हूं। हाँ ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट जो तुमने
मेरे हाथ पे लगाया था ना और फिर वापस से मेरी पॉकेट में डाल दिया था, वापस कर रहा हूँ, एक सेकंड। ये थैंक यू नोट है ऋषि ओबेरॉय की तरफ से, क्योंकि जब तुम ये घर छोड़ के जाओगी ना और जिस भी घर में रुकोगी ऑब्वियसली वो एल्युमिनियम के पैसों से खरीदोगी, तो ये मेरा थैंक यू नोट अपनी दीवार पे टंगवा लेना फ्रेम करा के, अच्छी कीमत मिल सकती है, क्योंकि अगर फ्यूचर में तुम्हारे घर की नीलामी होगी तो उसकी अच्छी कीमत मिल जाए, क्योंकि ऋषि ओबेरॉय का थैंक यू नोट है। शादी की अच्छी कीमत तो मिल ही रही है तुम्हें एल्युमिनियम, तो मेरे इस थैंक यू नोट की कीमत भी वसूल लेना। समझ आ गया क्या कीमत है तुम्हारे थैंक यू नोट की? क्या? अरे पहले क्यों नहीं बताया? बता दी तो मैं भी साथ में ही चलती ना। चलो कोई नहीं, अभी चलते हैं साथ में। हाँ नहीं चाची, आप रहने दीजिए। ऐसे कैसे रह रहे तुम? क्या पता शायद ये हमारी आखिरी पार्टी हो इतने बड़े घर में। अरे मलिश का और ऋषि की सगाई सही, आई केयर नॉट, मुझे तो चलना है। अरे वहाँ जाएंगे तो कुछ अच्छा नेक मिल जाएगा, कुछ अच्छा खाने पीने को मिल जाएगा, नाच गाना देखने को मिल जाएगा, और कुछ नहीं तो कुछ तमाशा ही देखने को मिल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग चाची? ओ तेरी, ओहो, अरे मैं भी ना पहले से पता होता ना तो तेरे चाचा और नेहा को भी रोक लेती। अरे वो 5 नंबर वाली है ना, उसकी बड़े बेटे की बेटी टिंकू, उसका हैप्पी वाला बर्थडे आज, वहाँ पे गए दोनों। चलो कोई नहीं, मैं तो हूँ ना, मैं अभी चेंजिंग करके आती हूँ, फिर साथ में वॉकिंग करेंगे। है? चाची आपके पास सच में दिल नहीं है? दिल है ना, बहुत बड़ा वाला दिल है मेरे पास, तभी तो तुम तीनों बहनों को मेरे इतने छोटे से घर में मैंने जगह दे रखी। चाची देखिए, हाँ बस ज्यादा टंग वॉकिंग मत कर मेरे सामने। तेरी बहन को ही तलाक चाहिए था ना, और वो मिल रहा है उसे, अब उसकी मन की मुराद पूरी हो रही तो मैं क्या बैठ के टेस हुए भाव? हाँ अरे उसकी जीत पे खुश हो रही हूँ मैं, तो तूने क्यों अपना थोपड़ा हैंगिंग कर रखा है? क्योंकि आपको भी पता है कि लक्ष्मी जी सच में तलाक नहीं चाहती। वो मलिश्का ने आपके सामने लक्ष्मी जी से कैसे बात की थी और तलाक के पेपर्स पे कैसे साइन करवाया था, ये आपको भी पता है? हाँ हाँ सब पता है मुझे कि लक्ष्मी क्या चाहती है, और ये भी पता है कि लक्ष्मी जो चाहती है वो उसे मिल नहीं रहा और मिलेगा भी नहीं, तभी तो ये सगाई हो रही है ना? जो भी हो मुझे तो इस सगाई में जाना है बस। तुझे कोई प्रॉब्लम है? इसलिए अपनी जो टंग है ना उसे मेरे सामने ज्यादा रनिंग मत करना, अंडरस्टैंडिंग? और हाँ स्टॉप यहाँ, आई चेंज वहाँ, अगेन कम यहाँ, फिर साथ में वॉकिंग करते हैं, अंडरस्टैंडिंग? शालू तू कहाँ इनके चक्कर में पड़ रही है, अब छोड़ ना, अभी फिलहाल हमें कुछ भी करके ना ये सगाई रुकानी है, वरना क्या फायदा हम बहनों के होने का जब हम विकी मदद ही नहीं कर सकते। हाँ हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ बहन तू सही कह रही है। हम ये सगाई रोक सकते हैं क्या? हाँ हम सगाई रोक सकते हैं, बस उसके लिए दी की मदद चाहिए। कैसे रोकेंगे सगाई? बहुत सिंपल है बहन, बस दी को वो करना पड़ेगा जो हम उन्हें कहेंगे, उसके बाद देख तू जैसा सोच रहा है ना वैसा बिल्कुल नहीं होना भी नहीं चाहिए भाई, सीरियसली। देखो मैं जानता हूँ कि आप लक्ष्मी भाभी साहब, आप लक्ष्मी से अपसेट हो, आई नो, और होना भी चाहिए, और मलिश्का से शादी करना चाहते हो, करनी भी चाहिए। लुक ऋषि भाई, आई नो लक्ष्मी ने आपको बहुत हर्ट किया है, और ये मलिश्का जैसी मर्जी हो पर इस तरह का दुख उसने कभी नहीं दिया आपको, सो फाइनल है मलिश्का आप फाइनल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो वही मेरी बात, मैं ये सोच रहा था, आप बताओ आप क्या सोच रहे थे? मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था, लेकिन ये आई क्यों नहीं अभी तक? रे टाइम तो लगाएगी ना भाई आज। क्यों टाइम लगाएगी, उसने कहा था वो आएगी। अरे ऑब्वियसली आएगी, क्यों नहीं आएगी, आज तो उसी का दिन है। नहीं
आज मेरा और मलिष्का का दिन है, लक्ष्मी का दिन नहीं है। और मैं लक्ष्मी की बात कर रहा हूँ, उसने कहा था वो आएगी यहाँ पे, अभी तक आई नहीं है। सियाप्पा, फिर से कोई सूट किस लेके तो नहीं आ गई? नहीं चाची, वो रुकने के लिए नहीं आई हूँ, बस आज के लिए। थोड़ा अजीब लग रहा था घर में तो। और आप इतनी तैयार क्यों है, कहीं जा रही हैं? हाँ जा रहे, अपने दामाद की सगाई में। अब घर के कपड़े पहन के तो जा नहीं सकते ना। अरे पर तू क्यों वहाँ पे कम हो गई? अरे थोड़ी देर और रुक जाती ना, तेरी बहनें तो वहाँ पे आ ही रही थी, फिर अजीब अजीब नहीं लगता तुझे? चलो कोई नहीं, अब आई गई है तो वो ऑटो से नहीं टैक्सी से जाना पड़ेगा। चाची बस करो। क्यों बंद करूं मैं? पता है 15 मिनट लगे मुझे ड्रेस तय करने में, 20 मिनट लगा मुझे मेकअप करने में, और लिपस्टिक ढूंढने में जो टाइम लगा सो अलग। ओहो, अब मेरा फेस लुकिंग क्यों कर रहे हो? चलो वॉकिंग करो। चाची मैं नहीं जाऊंगी, अगर आपको जाना है तो आप जाइए। क्यों इतनी दुखी क्यों हो रही है तू? अरे ऋषि मलिष्का से तो सगाई कर रहा है। चाची क्या बोल रहे हो आप ये सब? क्यों गलत क्या बोला मैंने? अरे अच्छा ये ना कि ऋषि मलिष्का से सगाई कर रहा है, अब हम जिंदगी भर उसे जी भर की गालियां दे सकते हैं कि ऋषि ने मलिष्का से सगाई कर ली और बिचारी हमारी लक्ष्मी के साथ कितना कुछ गलत किया, और वो भी शुरू से। और जरा थिंकिंग तो करो, अगर ऋषि ने मलिष्का की जगह किसी दूसरी नई लड़की से सगाई कर ली होती तो लोग क्या बोलते कि ये अपनी लक्ष्मी, इसी में कोई कमी होगी। और अब तो फाइनल हो गया ना कि ऋषि ही गलत आदमी था, वो भी शुरू से। चाची प्लीज, आप प्लीज ऐसे मत बोलिए ऋषि के बारे में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाय हाय मैं मर जाऊं, मुझे बोल रही है तू ये सब? वो भी उस लड़की बाज ऋषि के लिए जिसे तुझे धोखा दिया, वो भी शुरू से। और अब जब मैं उसे गालियां दे रही हूँ तो तू सुन नहीं सकती? बुरा लग रहा है तुझे? हाँ अब अंडरस्टैंडिंग हुई मुझे। बुरा तो लगेगा ही ना, क्योंकि तुझे भी पता है कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सब सच कह रही हूँ। और वो आदमी इसलिए सही नहीं हो जाएगा क्योंकि वो तेरा पति है। पति तो अभी है ना, पर क्या पता शायद कल हो ना हो। पर चाची मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं, मैं ये कह रही हूँ कि आप जो भी बोल रही हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों क्यों अच्छा नहीं लग रहा है तुझे? क्योंकि मैं जानती हूँ ऋषि को, वो कैसा है क्या है मैं सब जानती हूँ। आप अपने नजरिए से उसके बारे में सोच रही हैं, पर मैं ऋषि के साथ रहती हूँ। हाँ कभी कभी वो थोड़ा अलग हो जाता है, अलग बर्ताव करने लग जाता है, कभी कभी बुरा भी हो जाता है, पर जब भी मुझे उसकी जरूरत पड़ी है वो हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा उसने मेरा साथ दिया, और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। वाह देखा, वो बड़ा सच छोड़ और ये बड़ा सच बता कि तू उसके एहसानों के नीचे दबी हुई है इसलिए ये सब बोल रही है, या फिर ये तेरे दिल का दर्द है जो तेरे टंग पे नहीं आ रहा है? प्यार करती है ना तू ऋषि से, इसलिए उससे दूर होने का डर है तुझे। देख नहीं सकती तू कि ऋषि मलिष्का से सगाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे रन करके आ गई ना? चाची बस करिए प्लीज, आपको पता है लक्ष्मी जी कितना प्यार करती है ऋषि जीजू से, तभी भी आप ये सब बोल रहे हो ना बार बार उनको हर्ट करने के लिए। बानी जा पानी लेके आदि के लिए, और चाची आप अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, हमें बुरा नहीं लगेगा। हाय रब्बा मैं अकेली जाऊं? अरे माइंडलेस है क्या, मैं करूंगी क्या वहाँ पे अकेले? अरे कोई तो चाहिए ना मेरे साथ वहाँ पे खड़े होने के लिए। बानी तू चल मेरे साथ, मैं दी के लिए पानी लेके आती हूँ। अरे अरे तू अकेली जाऊं क्या मैं? Cheers. हमारी नई रिश्तेदारी के लिए एंड हमारी नई दोस्ती की शुरुआत के लिए। What? मैं जानता हूं कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है मैं किरण से बेटर हूं, एटलीस्ट दिल से तो, और तुम्हारे लिए भी मैं सेम ही सोचता हूं, तुम बेटर हो नीलम से दिल से। No. नीलम दिल से और दिमाग से दोनों से मुझसे बेटर है। मैं शायद अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया, पर वो एक अच्छी बहू है, क्योंकि माँ ने अभी तक उसके बारे में कोई शिकायत नहीं की मुझसे। एक बहुत अच्छी माँ है, बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, खुद को भी पीछे रख सकती है। हाँ थोड़ी पॉजिटिव है बच्चों के बारे में, बट
जहाँ फैमिली की बात है देन शी इज अग्रेसिव, शी इज अ परफेक्ट वुमन, परफेक्ट बीवी. हिम्मत करके कुछ पूछूं, सच बोलोगे? ऑफ कोर्स हिम्मत करके जवाब दूंगा. सालों पहले कुछ सुना था तुम्हारे बारे में और न्यूज में भी पढ़ा था तुम्हारे और नीलम के बारे में. तुम दोनों नो आज नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में. फिर कभी सुनाऊंगा. लाइफ वीरेंद्र लाइफ, सच ही कहते हैं लोग कि लाइफ में अगले पल क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता. अब मुझे देखो ना, आज मैं कह रहा हूं कि मलिष्का के लिए मैं कुछ भी करूंगा उसे उसका पहला प्यार दिलाने के लिए. लेकिन विराज के टाइम मैंने ही कहा था मलिष्का से कि वो विराज को हाँ बोल के ऋषि को ना बोल दे और लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि ऋषि ऑलरेडी मैरिड था, लक्ष्मी उसकी पत्नी थी, उसके साथ थी. अभी सिचुएशन कुछ और, वो दोनों तलाक ले रहे, तो मैं नहीं चाहता कि मलिष्का अपने दिल को मारे. उसे वो सारी खुशियां मिलनी चाहिए जो वो डिजर्व करती. Am I right? Viren. Sorry, कुछ कहा? Never mind. एक और हो जाए. हाँ, after this.